देखिए कश्मीर के सुंदर सुंदर बर्फीले पहाड़। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा मार्केट निकले थे बाहर, तो मैंने सोचा चलो यहाँ का नजारा भी आपको दिखा दूं। फ्रेंड्स, ये कश्मीरी अचार है जो बहुत टेस्टी होता है। ये फ्रेंड्स अमीर अकदल का ब्रिज है। यहाँ पे एक तरफ है फिश मार्केट है और एक तरफ है जो कुछ भी चीजें आपको खरीदनी हो। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको चीजें मिल जाती है और बहुत ही बढ़िया चीजें होती है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला ऑटो है। फ्रेंड्स, यहाँ ये मुझे बड़ी प्यारी सी ग्रीन चिलीज दिखी तो मैंने ये ले ली, ग्रीन और रेड। ये देखिए आदिल सारी चीजों को बैग में लेके खुद ही उठाता है। फ्रेंड्स, यहाँ का जो है आर्ट बाजार है। यहाँ पे आपको कश्मीरी वर्क किए हुए स्टोल, शॉल, स्वेटर्स सारी चीजें यहाँ मिल जाती है। ये देखिए कश्मीरी वर्क किए हुए कर्टन्स हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे एक रिवर है। ये रिवर का नाम है दरियाई झेलम। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पे सब फिश वाली आंटी बैठती है। ये देखिए यहाँ की कश्मीरी फिश। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि जो मेरी पर्सनल फेवरेट है और मेरे मम्मी के हाथ की जब बनती है तो मुझे बहुत पसंद आती है। बट अनफॉर्चुनेटली मामा मुंबई में है और मैं यहाँ कश्मीर में, तो मैं बहुत मिस करती हूँ उनके हाथ की ये डिश। तो आज मैं आपके साथ फ्रेंड्स शेयर करूंगी आलू का पराठा, इसकी रेसिपी। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अपने माँ के हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते होंगे। और माँ के हाथ के पराठे की बात ही कुछ और होती है। वो कोई भी होटल में जाओ, बड़ी से बड़ी डिश खाओ, लेकिन जो माँ के हाथ के पराठे है उसमें इतना प्यार होता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और जो मम्मा जो होती है वो अपने बच्चे के लिए जो पराठा बनाती है तो वो इतना ऑयल, बटर या देसी घी लगाती है, कभी कभी तो हम चिल्लाते हैं कि मम्मा कम लगाओ, फिर भी वो इतना लगाएगी, उनको लगता है कि बस मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है खा पी के मस्त फूल जाने चाहिए। वो घी ऑयल बटर, वो घी ऑयल बटर नहीं है, वो उनका प्यार है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो प्लीज अपनी मम्मा को कभी रोकना नहीं कि मम्मा ये मत करो, वो मत करो। वो जो आपके लिए करती है, जो आपको देती है, आप प्लीज उसे अच्छे से प्यार से खाइए। तो फ्रेंड्स चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम बनाते हैं आलू का पराठा। मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 6 आलू लिए हैं मैंने, मीडियम साइज के। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप मैदा लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के लिया है, और यहाँ मैंने अजवाइन ली है, ये मैंने हरा धनिया ली हूँ, और अदरक लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ क्रश कर लियो। आप चाहे तो अलग अलग भी क्रश कर सकते हैं, मैंने एक साथ क्रश कर लिया। और यहाँ पे मैंने सूखे मसाले में ली हूँ चाट मसाला, गरम मसाला,
धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शक्कर ली हूँ और मैंने ली हूँ ऑयल। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये आटा ली हूँ, इसमें मैं डालूंगी ये मैदा और इसमें हम ऐड करेंगे नमक एज पर योर टेस्ट और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी शक्कर। शक्कर से क्या होगा कि जो हम पराठा बनाएंगे उसे एक अच्छा सा कैरमलाइज्ड कलर आएगा। तो हम इसे अच्छे से गूंद लेते हैं पहले। फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालनी थी, मैं भूल गई, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड्स ये आटा मैंने गूंद लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी ऑयल। थोड़ा ऑयल डाल के हम इसे अच्छे से एक बार और हम इसे गूंद लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा आटा हो चुका है, अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इसे हम इस तरह से ढक के 15 से 20 मिनट साइड कर देंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आलू को थोड़ा सा हम मैश कर देंगे आलू को। इसको ज़्यादा मैश नहीं करना है पहले, क्योंकि हम इसमें जो मसाले डालेंगे उसके बाद भी हम इसे थोड़ा मैश करेंगे ताकि जो मसाला है वो सब इसके अंदर अच्छे से चला जाए। तो हम बस इतना सा ही मैश करेंगे हम इसे और फिर हम इसमें अब ऐड करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे प्याज, जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो ये बनाया था पेस्ट वो ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ये अजवाइन। अब हम ये जो सारे सूखे मसाले थे वो ऐड कर देंगे और नमक भी है इसमें ये भी ऐड कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा एक टेबलस्पून जितना जो गेहूं का आटा है वो ऐड करेंगे हम इसमें। अब हम इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारी स्टफिंग है आलू के पराठे की ये रेडी हो चुकी है। इसमें आप फ्रेंड्स अजवाइन जरूर डालना। अजवाइन से क्या होता है जो गैस का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है और डाइजेशन में अपने को हेल्प हो जाती है। अब फ्रेंड्स इसका मैं क्या करूँगी, इसके मैं छोटे से पार्ट्स लूँगी। तो अपना जो पराठे का रोटी का साइज है बस उतने ही हम बॉल्स बना के ऐसे प्रिपेयर कर देंगे। ये बॉल्स बनाने से ना फ्रेंड्स जब हम पराठा बनाते हैं तो हमारे हाथ बार बार इसमें नहीं जाएंगे, हम सीधा ये लेके ऐसे बॉल की तरह उसे हम रख देंगे। तो ये ऐसे हम सारे बॉल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। आटे को भी 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। देखिए आटा भी अच्छे से हो गया है सॉफ्ट। इसके भी फ्रेंड्स हम आटे के भी ऐसे ही बॉल सेम साइज के जिस साइज का हमने ये जो आलू का बॉल बनाया उसी साइज का हम ये जो आटे का भी है ऐसे ही हम बॉल्स बना देंगे इसके और रेडी रखेंगे। देखिए इस तरह से हम सारे रेडी कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आटे के जो बॉल्स बना लिए हैं और मैंने यहाँ पे स्टफिंग के बॉल्स भी रेडी है। तो आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं आलू के पराठे। तो फ्रेंड्स अब हम पराठे जो बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम पहले एक बॉल लेंगे, फिर हम इसे थोड़ा सा डस्ट करेंगे सूखे आटे से और ये देखिए हम इस तरह से बीच में ये रख के कटोरी के शेप दे देंगे और हम इसे साइड से जो है वो हम पतला करेंगे और बीच में मोटा रखेंगे। इस तरह से हमें एज ए कटोरी बनाना है। तो फ्रेंड्स परफेक्ट तो नहीं बनाया है बट ट्राई की है। देखिए यहाँ साइड से मैंने पतला रखा है और बीच में मैंने मोटा रखा है। अब हम एक स्टेप यहाँ पे करेंगे, वो है यहाँ पे पहले हम ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा जो आटा है सूखा वाला उसे डस्ट करेंगे। ये करने से क्या होता है जो आलू है हम जब डालते हैं स्टफिंग
तो वो आटे में चिपकती नहीं है, वो अच्छे से दिखती है। नॉर्मली जो आलू पराठे में जो है आलू दिखता नहीं है, तो ये प्रोसीजर करने से क्या आपका आलू भी दिखाई देगा आपको। फिर हम जो है ये आलू का जो बॉल मैंने बनाया था वो हम इसमें रखेंगे और इसे इस तरह से इसे हम कवर करेंगे। इस तरह से हम इसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आप इसे रोल करते जाइए। तो अब ये हमारा जो है ये रेडी हो गए। इसे हम वापस से थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट करेंगे इसको, और इसको हम पहले थोड़ा सा हाथ से यूं आप प्रेस कर दीजिए और इसे बेलन की हेल्प से ज्यादा प्रेशर ना देते हुए आप इसे इस तरह से ये कीजिए, बेल दीजिए। और अब ध्यान रखिए कि आप साइड से ज्यादा बेलिए, बीच में से ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, बीच में साइड से आप ज्यादा बेलिए इसे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये मैंने बेल दिया है, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, एकदम पतला नहीं आपको करना है। तो अब ये रेडी है फ्राई होने के लिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने पैन रख दी हूँ, पैन गरम हो चुका है। अब हम जो हमारा पराठा है इस पर डाल के सेक देंगे। पहले हम एक साइड से सेकेंगे फिर उसे पलटा देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो पराठा है देखिए हमारा एक साइड से इतना सेक चुका है, अब हम इसे पलटा देंगे और अगली साइड से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसे पलट देंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे अगली साइड से भी थोड़ा सा सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरफ से भी ये अच्छे से सेक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत सारा ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, ये और टेस्टी होगा। और इसे इस साइड से भी तेल लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है पराठे को। तो ये हमारा एक पराठा रेडी है, हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम बाकी के भी पराठे रेडी कर। तो फ्रेंड्स ये मैंने दूसरा ली हूँ, जब तक आपका एक सिकता है आप दूसरा कर दीजिए। फ्रेंड्स मैंने थोड़ा आप वीडियो हाथ में था इसके लिए मैंने आपको एक बना के दिखाया, जब तक एक आपका सिक रहा है आप ये दूसरे की तैयारी कर सकते हैं। फिर वही स्टेप करना फ्रेंड्स, ये जो ऑयल लगा दो और थोड़ा सा आटा डस्ट कीजिए और फिर एक बॉल लेके उसे वापस से इस तरह से उसे करते जाइए। इसे एक अंगूठे से आप दबाते जाइए। इस तरह से थोड़ा इसमें आटे से इसे थोड़ा डस्ट कीजिए और फिर इसे थोड़ा से पहले हाथों से प्रेस कर लीजिए और फिर बेलन का यूज करके इसे बेल लीजिए हल्के से प्यार से। इसी तरह हम ये बाकी के भी डाल देंगे। इसमें इसे वन साइड सेकने दीजिए फिर पलटिए उसे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो सेकंड पराठा है ये भी रेडी हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे पराठे रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो कैरमलाइज्ड कलर आया है, ये जो हमने शक्कर मिक्स की थी आटे में उससे ये कलर इतना बढ़िया सा कलर आया है। फ्रेंड्स सेक के तो मैंने आपको पराठा बता दिया, अब मैं एक और तरीके से पराठे को बनाऊंगी फ्राई करके। इसे हम ऑयल ले ले, देखिए मैंने इतना तेल ली हूँ और जैसे तेल ये गर्म हो जाए तो हम इसमें हमारा पराठा जो है ये फ्राई करके बनाएंगे। इसे इस तरह से भी पराठे बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। आपको चाहिए तो कम तेल में आप सेक भी सकते हैं
या तो आप इस तरह से फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम पलटा देंगे और इस साइड से हम अच्छे से उसे फ्राई कर लेंगे। पलटी पलटी करके आप इसे इस तरह से फ्राई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से इसका कलर आया है, बेहतरीन। ये काफी क्रिस्पी लगता है। आपको अगर इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह से बनाइए, नहीं तो आप सेक के बना दीजिए। ये फ्रेंड्स हो चुका है हमारा पराठा, गोल्डन कलर का कुरकुरा पराठा। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब ये सारे पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, आइए इसे सर्व करते हैं। हमारे आलू के पराठे रेडी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से जो मैं आपको बता रही थी स्टफिंग, देखिए आलू की ये पूरी दिखाई दे रही है। जो मैंने अंदर ऑयल लगाया था और आटा लगाया था, उससे स्टफिंग भी अच्छे से दिख रही है फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए बच्चों को टेस्ट कराते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बच्चों को टेस्ट करवाते हैं। यहाँ हमने तीन टाइप की चटनी ली है फ्रेंड्स। ये इमली की चटनी जो मैंने घर में बनाई थी, और ये हमने मीठा दही लिया है, इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल किया है, और ये ग्रीन कोरिएंडर की ग्रीन चटनी बनाई है। तो हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो पहले हम हुसैन को देंगे। हुसैन, चलो हुसैन बिस्मिल्लाह बोल के टेस्ट करो। गाइस मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मजेदार लगी मुझे तो। गाइस बहुत अच्छा है। आदिल टेस्ट करेगा। अगर बच्चों को टिफिन में भी देंगे तो उनको खाने में भी आसानी होगी। खाओ। हाँ आदिल, कैसा लगा आपको आदिल? तो फ्रेंड्स ये जो मैंने फ्राई किए थे वो देखिए, वो भी कितने क्रिस्पी अच्छे से बने हैं। देखिए इसमें अच्छे से स्टफिंग भी हुई है। तो आप भी ट्राई करना, कभी फ्राई करके कभी सेक के। तो फाइनली अब मैं खाने जा रही हूँ। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खाइए मेरे साथ। हम ग्रीन चटनी लेंगे, थोड़ी सी इमली की लेंगे और थोड़ी सी लेंगे दही, ये देखिए। और इसमें हम रखेंगे एक प्याज टुकड़ा, रखिए और इसे सर्व कीजिए। फ्रेंड्स व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और आप जरूर अपनी मामा को आज रात में बोलना, मामा सुबह में चाहिए नाश्ते में आलू पराठा, देखना आपकी मामा क्या बोलती है। और मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपने सुबह मॉर्निंग में आलू का पराठा खाया या नहीं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।